प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कुत्ता एक वफादार जानवर है, अपने मालिक के लिए जान दांव पर लगाने से पीछे नहीं हटता। आज हम आपको एक प्रेग्नेंट औरत और उसके पालतू कुत्ते की कहानी सुनाएंगे जो बिल्कुल सच्ची है, जिसमें एक पालतू कुत्ता अपनी प्रेग्नेंट मालकिन का पेट हमेशा चाटता और जोर जोर से भौंकता था। जब इसकी वजह उस प्रेग्नेंट औरत और उसके शौहर को मालूम चली तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। पालतू कुत्ते ने हमिला औरत के साथ जो किया आप जानकर हैरान रह जाएंगे, और इसको जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक लाजमी देखते रहिए। और दोस्तों, जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, बर्तानिया में एक कीमी नाम के कुत्ते को एक औरत और उसके मंगेतर ने पालने के लिए गोद ले लिया। उस वक्त ये कुत्ता काफ़ी छोटा था। फिर उस लड़की की शादी हो गई, उसका नाम एला था, और एला का मंगेतर भी उस कुत्ते के साथ बहुत मोहब्बत करता था। फिर इनकी शादी हो गई और ये कुत्ता भी इनके साथ रहता था। वो इनके घर में सिक्योरिटी का काम भी करता था और इनके साथ रहता। शादी के चंद माह बाद जब एला प्रेग्नेंट हो गई तो इसका पेट बढ़ने लगा। ये तो आम बात थी, लेकिन यहाँ पर हैरान कुन बात ये थी कि अपनी मालकिन का बढ़ता पेट देखकर ये कुत्ता अजीब हरकत करता था। वो जब भी अपने मालकिन को देखता, इसका पेट देखता, तो भौंकने लगता और कभी कभार इसके पेट को चाटने लगता। इसकी इस हरकत से ऐसा लगता कि ये किसी बात की जानिब अपने मालकिन को तवज्जो दिला रहा है, लेकिन किसी को भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये मामला क्या है, ये कुत्ता ऐसा क्यों कर रहा है। उस लड़की को जब इस बात का इल्म हुआ तो उसके पांव से ज़मीन ही खिसक गई। ये क्या मामला है, और वो भी इस मामले की हकीकत जानने में लग गई। कुत्ते की इस हरकत के पीछे क्या वजह सामने आई, जिसको जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक लाजमी देखते रहें। प्यारे दोस्तों, ये एला नाम की लड़की के लिए अलग और ताज्जुब वाली बात थी, और इसी तरह से ये बात एला के शौहर के लिए भी ज़रूरी थी, क्योंकि प्रेग्नेंट होने से पहले उनके कुत्ते ने ऐसी हरकत कभी नहीं की, और जब एला प्रेग्नेंट हुई तो ये कुत्ता ऐसी अजीब हरकत करने लगा। एला के शौहर ने उसको बताया कि वो हॉस्पिटल चली जाए और अपनी लेडी डॉक्टर से इस बात का जिक्र करे ताकि उसका चेकअप हो सके और इनका शक दूर हो जाए। एला डॉक्टर के पास जाती है और अपना चेकअप करवाती है और सारा मामला डॉक्टर के साथ शेयर करती है, लेकिन इसकी डॉक्टर इसको बताती है सब कुछ ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। एला वापस आ जाती है और बताती है कि डॉक्टर ने कहा है ऐसी कोई बात नहीं है, कोई परेशानी की वजह नहीं है, लेकिन एला के कुत्ते का रवैया उसी तरह रहता है, और एला के पेट को जब भी देखता वो भौंकने लगता और कभी कभार उसको चाटने लगता। चेकअप के बावजूद एला का दिल नहीं मानता। वो सोचती है कि क्यों ना सोशल मीडिया पर ये बात अपने दोस्तों के साथ शेयर करे, हो सकता है कि कोई मुझे बेहतरीन मशवरा दे सके और ये परेशानी दूर हो जाए। लिहाजा वो ये बात सोचकर सोशल मीडिया पर शेयर करती है और अपने दोस्तों से इस परेशानी के लिए मदद मांगती है। मुख्तलिफ़ लोग इसको मुख्तलिफ मशवरा देते हैं, जिसमें से किसी एक ने ये मशवरा भी दिया था
कि शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में जाए और अपना तफसील से चेकअप करवाए, अल्ट्रासाउंड करवाए। हो सकता है इसका कुत्ता आने वाले किसी खतरे से इसको आगाह कर रहा है। एला को ये मशवरा मुनासिब लगता है और वो शहर अपने शौहर के साथ शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल जाती है। जब वो अपना चेकअप करवाती है, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट में खतरनाक बीमारी निकलती है जो एला और उसके शौहर के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि ये बीमारी ऐसी थी जो एला और उसके बच्चे के लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। एला के पेट में एक खतरनाक गांठ थी जो एला के कुत्ते ने भांप लिया था और वो एला के साथ ऐसा रवैया इख्तियार किया था ताकि इसका ध्यान इनकी ओर पड़ जाए। कुत्ता चूंकि बेजुबान होता है, वो तो जुबान से बोल नहीं सकता, इसलिए वो ऐसी हरकत करके इत्तला कर रहा था और यूं इस कुत्ते की वजह से उनकी मालकिन की जान बच गई। ना सिर्फ उनके मालकिन की जान बची बल्कि होने वाले बच्चे के भी जान बच गई। दोस्तों, आप इस कुत्ते की हरकत के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर बात करें कुत्ते की वफादारी की तो कुत्ता एक वफादार जानवर है। कुत्ता आखिरी हद तक वफादारी निभाता है और ये जानवर कभी भी अपने मालिक से नमक हरामी नहीं करता। ऐसे ही कुत्ते की वफादारी पर बहुत से वाक्यात मिलते हैं जो हम एक वाक्यात आपको और सुनाते हैं कुत्ते की वफादारी पर, कि एक मालिक ने अपने कुत्ते को मार मार कर भगा दिया, लेकिन फिर भी वो कुत्ता उसका वफादार बना रहा और कैसे अपने मालिक की जान बचाई। दोस्तों, हजरत शैदुना अबू उमैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हों से मनकूल है, बसरा का एक शख्स अपने इंतहाई गहरे दोस्त और सगे भाई के साथ कहीं सफ़र पर जाने लगा तो उसका पालतू कुत्ता भी उसके पीछे चल पड़ा। उसने अपने कुत्ते को भगाया लेकिन वो साथ साथ चलता रहा। उसने गुस्से में आकर पत्थर मारा, कुत्ता जख्मी हो गया मगर साथ न छोड़ा। फिर जब वो शख्स एक बस्ती के करीब से गुजरा तो दुश्मनों ने उसे पकड़ लिया। ये देखकर उसका दोस्त और भाई उसे दुश्मनों के पास ही छोड़कर भाग गए। उन्होंने उसे खूब मारा और जख्मी करके एक कुएं में डालकर ऊपर से मिट्टी बराबर कर दी। कुत्ता उन पर मुसलसल भौंकता रहा। उन्होंने कुत्ते को भी जख्मी कर दिया और वापस चले गए। कुत्ते ने कुएं के पास आकर अपने पंजों से मिट्टी हटाना शुरू कर दी। बिल आखिर मुसलसल जिद्दोजहद के बाद उस शख्स का सिर जाहिर हुआ। उसमें अभी जिंदगी के आसार बाकी थे। कुत्ता उसके मुंह तक मिट्टी साफ कर चुका था। इतने में वहां से एक काफिला गुजर रहा। जब उन्होंने कुत्ते को देखा तो समझा कि शायद ये कब्र खोद रहा है, मगर जब करीब आए तो हकीकते हाल जानकर बहुत हैरान हुए। उस शख्स को देखा तो जिंदगी के आसार बाकी थे। उन्होंने उसे फौरन निकाल कर उसके घर पहुंचा दिया। जिस कुएं में उसे डाला गया था, अब वो कुआं बिरुल कल्ब के नाम से मशहूर है। किसी शायर ने इस वाक्य को अपने शेर में इस तरह बयान किया है, उसका सगा भाई और पड़ोसी उसे छोड़ जाते हैं जबकि उसका कुत्ता उसे ज़मीन खोद कर निकालता है, हालांकि वो कुत्ते को मारने वाला है। तो दोस्तों, देखा आपने कुत्ते की वफादारी। तो दोस्तों, इस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।